नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 26 जुलाई 2019 है। 26 जुलाई 2019 की बड़ी खबरें क्या है? ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्रीति पटेल गृह मंत्री बनी हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की कमेटी में शामिल किया। इससे भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। इसके साथ ही भारतीय मूल के ऋषि सुनाक ट्रेजरी मिनिस्टर और आलोक शर्मा को विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में विकास का सरकारी प्रयास जारी है। सरकार ने सभी प्रखंडों में एक एक मध्य विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैटरी वाले इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा पहुंचे। इस प्रकार इलेक्ट्रिक कार की चर्चा पूरे बिहार में होने लगी। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय के शौचालय से 6 पेटी शराब मिली है। इस घटना से वहां सनसनी फैल गई। गोपालगंज में अवैध रूप से चलाए जा रहे एक नर्सिंग होम को सिविल सर्जन ने सील कर दिया है। उक्त नर्सिंग होम लच्छी चक बाजार में है। लखीसराय जिले के टोरलपुर के तत्कालीन पंचायत सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त पंचायत सचिव का नाम रविंद्र कुमार बताया गया। बिहार की बड़ी खबरों में है कि औरंगाबाद जिले के सतनदिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 नक्सली मारे गए, 5 राइफल भी बरामद की गई है। नवादा जिला मुख्यालय के कुरेशी मोहल्ला का एजाज पटना एयरपोर्ट पर देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एजाज पटना से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट आया था। आरा शहर में साइकिल चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर पैर में बांध दिया गया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी की। 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के आरोप में सामूहिक पिटाई कर दी गई। घटना सासाराम जिले के मलियाबाग की बताई जा रही है। अररिया जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो गया, इसलिए चालू वर्ष में वे परीक्षा से वंचित रह गए। पिकअप वैन पर देवघर से श्रावणी पूजा कर लौट रहे 8 लोग घायल हो गए। सभी कांवड़िए हैं, वे लोग आरा जिले के हैं। उनका पिकअप वैन लखीसराय में एक गड्ढे में पलट गया। इधर अररिया में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय बकरा नदी और रतवा नदी उफान पर है। कई इलाके में बाढ़ का पानी घुस रहा है। आरा जिले के बगही गांव में 4 लोगों को ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों को इन पर बच्चा चोरी का शक था। बिहार शरीफ के देवीसराय चौक पर एक दुकान में चोरी हो गई। इस घटना में 7 लाख के कीमती सामान चुरा लिए गए। नालंदा के नूरसराय में एक किसान की मौत बिजली की करंट से हो गई। वह खेत में पटवन कर रहे थे। उनका नाम नरेश प्रसाद बताया गया। सीवान जिले के चोरवा गांव के अवधेश पंडित का 10 वर्षीय पुत्र ऋषभ की मौत गड्ढे में डूबकर हो गई। उसके साथ ही एक अन्य बच्चे भी डूब गए थे, उन्हें बचा लिया गया है। कटिहार जिले में महानंदा एक बार फिर उफना गई है। इससे प्राणपुर, कदवा और मनसाही प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है। सुपौल के मरोना नदी थाना क्षेत्र में शिव कुमार यादव की पत्नी मंजू देवी की मौत बिजली के करंट से हो गई। बेतिया के शिवराजपुर में 2 सगी बहनों की मौत सर्पदंश से हो गई। दोनों को सुप्तावस्था में ही सांप ने काट लिया। दोनों मृतका बूचन चुड़िहार की पुत्री बताई गई। बिहार के अमूमन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर चली गई। गया जिले के नारायणपुर गांव में यदुनंदन यादव नामक वृद्ध की लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी गई। उनकी खता इतनी ही थी कि उसने 2 पक्षों के विवाद को सुलझाया था। सासाराम के तकिया ओवर ब्रिज पर भवन सिंह नामक रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी से 2,80,000 रुपये बाइक सवार अपराधियों ने छीन लिया। श्री सिंह रुपये बैंक से लेकर अपने घर जा रहे थे। पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय में किराना के थोक व्यवसायी से अपराधियों ने रुपयों का थैला छीन लिया। इस दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी और आप किस जिला से हैं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।